अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस एनेस्थेसियोलॉजी क्लास में आपको हम वेलकम करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें? आज हम अहम बात टॉपिक पे बात कर रहे हैं। क्या है वो दिखाते हैं आपको कि ये जो कुछ लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं एनेस्थेसिया में, कुछ स्मॉल लेटर्स होते हैं और कुछ एब्रीविएशंस होती हैं और कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वर्ड्स की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको स्टार्ट करते हैं। नंबर वन ये है वी, वी कैपिटल है। इसका अगर ये वर्डिंग वी आ जाता है तो उसकी मीनिंग क्या है? उसकी मीनिंग ये है कि गैस वॉल्यूम, ये वी शो करता है कि ये है गैस वॉल्यूम। पर वी के ऊपर जो ये डॉट है और दूसरा होता है डैश, डॉट और डैश में फ़र्क है। ये सिंगल है और इसके ऊपर जो है वो है डैश। ये क्या इंडिकेट करता है कि गैस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये इंडिकेट, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना क्योंकि आगे चल के ये हमारे काम में आएगी। पी क्या होता है? गैस प्रेशर। गैसेस कितनी हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लंग्स में होती हैं, उनका प्रेशर देखना है। पी ओवर ये जो है अपना, इसका क्या है? पी वी के ओवर डैश है। तो डैश ये सिंगल है प्लेन समझो, और इसके ऊपर डैश है, तो मीन गैस प्रेशर, मीन गैस प्रेशर, ठीक है। और ये है नेक्स्ट जो है फाइव नंबर पे, वो है वी ए। वी ए क्या है? वॉल्यूम ऑफ अल्वेलर गैस, अल्वेलर गैस, ये देखो। उसके बाद जो आता है ये आता है वी, दोबारा रिपीट करता हूँ बताता हूँ। वी के ऊपर जो डॉट है, डॉट ओवर आर अबव द वी इज़ द सिंबल व्हिच इंडिकेट्स द टाइम, किसका टाइम? उसका वॉल्यूम का टाइम जो होता है, गैसेस का टाइम। तो नंबर ये है नेक्स्ट जो है वी के ऊपर जो डैश आ जाए, डैश अबव अबाउट द वी इंडिकेट्स द सिंबल इंडिकेट्स द मीन वैल्यूज, ठीक है। तो वी पी वी ए वी ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट जो आता है आई ई ए टी डी, क्या है? आई मीन्स इंस्पायर्ड गैस। नेक्स्ट जो है वो है ई, ई का मकसद क्या है? एक्सपायर्ड गैस। ए क्या है? अल्वेलर गैस। टी क्या है? टाइडल गैस। और डी क्या है? डेड स्पेस गैस। तो इनका एग्जांपल क्या है? एक्सपायर्ड गैस का ये एग्जांपल है वी ई, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड गैस। वी ए ये है ए, वी ए अल्वेलर वेंटिलेशन। वी टी माने टाइडल वॉल्यूम, वी डी वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस, इस पेज पे हो गया। तो अभी आते हैं, एक और कम्बिनेशन आती है वर्ड्स की जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ये सिंबल्स पे आते हैं। ए क्या है और वी क्या है, पी क्या है, तो ये इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, देखेंगे कि आगे चल के कैसे काम कर रहे हैं। ए स्मॉल है देखना, ठीक है ना, और ये ए स्मॉल और ये है ए कैपिटल, ये देखना ये कैपिटल, ये ए कैपिटल शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है अल्वोलर गैस, और ए स्मॉल क्या कर रहे हैं? ए स्मॉल इंडिकेट कर रहा है आर्टियल ब्लड गैस। आर्टियल ब्लड गैस कौन सी? पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वी क्या कर रहा है? वेनस। सी क्या है? कैपिलरी ब्लड, कैपिलरीज में जो भी होते हैं ना ब्लड। नेक्स्ट जो आ जाता है लंग्स के बारे में जो भी टर्मिनोलॉजीज है, फोर टर्मिनोलॉजी कॉमन है तो ज़्यादा है कॉमन जो क्या यूज करते हैं, वी सी। वी सी क्या करता है? वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायर्ड एंड एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन, वाइटल कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट है वो है आई सी, आई सी मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वी सी आई सी एक है। नेक्स्ट है एफ आर सी,
FRC कॉमनली यूज होता है फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी, FRC किसकी, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स एट रेस्टिंग, उसको कहते हैं FRC कितनी है, हर एनिमल की मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन, TLC मीन्स टोटल लंग कैपेसिटी, इसकी मीनिंग क्या है, इंडिकेट क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लंग्स एट एंड ऑफ द मैक्सिमल इंस्पिरेशन, ये हो गया। अभी जो अहम बात है, ये जो एब्रीविएशन हमने यूज़ किया है इसका रोल क्या है और उनको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, और इनके साथ एक और जो है ये कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशंस जो होती हैं उन पे हम आज अभी डिस्कस करेंगे। ये जो 401 आपका सब्जेक्ट है नेसेसियोलॉजी उसमें काम आएगा। ये देखो पी कैपिटल है, पी कैपिटल मीन्स गैस प्रेशर, ये देखो गैस प्रेशर आपने पहले शुरू वाले पेज में पढ़ा था, प्रेशर क्या किसका, ये प्रेशर है पी इस निकट्स प्रेशर, किसका प्रेशर है, किसका ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में कितना है, फिर प्रेशर किसका CO2 का, पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये पी प्रेशर, ए ए क्या है स्मॉल ए, स्मॉल ए को देखेंगे आर्टियल, ये आर्टियल ब्लड प्रेशर, तो ये आर्टियल ब्लड प्रेशर, ए कैपिटल है, ए कैपिटल है तो ए कैपिटल क्या करेगी, ए है अल्वेलर गैस, ए स्मॉल क्या है आर्टियल एंड ए कैपिटल अल्वेलर गैस मीन्स अल्वेलर गैस वेंटिलेशन कितनी है, तो ये है अल्वेलर, ए कैपिटल अल्वेलर प्रेशर ऑफ अल्वेलर गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, अल्वेलर कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन कितना है, पी कैपिटल ए स्मॉल, ए स्मॉल मीन्स ये है आर्टियल ब्लड ऑक्सीजन में, आर्टियल ब्लड ऑक्सीजन टेंशन, पी कैपिटल ए कैपिटल, ए कैपिटल क्या करता है अल्वेलर गैस, अल्वेलर ऑक्सीजन टेंशन O2, वी ओवर डॉट, ये डॉट है माइन्यूट वॉल्यूम रेस्पिरेशन, VD रेस्पिरेटरी डेड स्पेस, CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर, टाइडल वॉल्यूम TV अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। तो ये है एब्रीविएशंस, आपने आज ये क्लियर देखें और उनको इसकी जो मीनिंग है और उसका जो डिफरेंट एब्रीविएशन और उसको किस तरीके से मालूम करें, ये है स्मॉल ए स्मॉल वी एंड सी, स्मॉल ए मीन्स आर्टियल ब्लड और कैपिटल ए मीन्स अल्वेलर गैस। तो आज हमने जो भी एब्रीविएशंस पढ़ी हैं ये आप नोट करें तो एग्ज़ाम में या क्विज में आपको या स्टडी में आपको आसानी होगी, जब भी ब्लड असेसमेंट करनी है, पेशेंट को एनेस्थीसिया देनी है, उसके लिए ये अहम के जो चीज़ें नुक्ते होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। आज की जो ये वीडियो एब्रीविएशंस की एनेस्थीसिया के बारे में, कैपिटल लेटर्स की जो यूज़ करते हैं हम इस लेक्चर में, तो आपको ये नोट करना होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।